कहिए ना केवल बाबू, वो खुशखबरी क्या है? क्या ये सच है निम्मी? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे चाहती हो। अपने दिल से पूछिए केवल बाबू। पूछ चुका हूं अपने दिल से। क्या कहता है? वो कहता वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो कहता राजन बाबू तुम्हें चाहती। राजन बाबू? हाँ निम्मी, उनकी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है, उनके गीत तुम्हारे बिना सुनसान है। लेकिन लेकिन मेरे गीत कितने सुनसान हैं, आप क्या जाने? मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, आपको क्या मालूम? राजन बाबू मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें खूब जानता हूँ। निम्मी, निम्मी मुझ में क्या है जो राजन बाबू में नहीं? मैं नहीं जानती आप में क्या है, सिर्फ इतना कह सकती हूँ उनके पास ऐसा सुंदर मुखड़ा नहीं, ऐसी नीली आंखें नहीं, ऐसे सुनहरी बाल नहीं, ऐसी नीली आंखें नहीं, ऐसे सुनहरी बाल। निम्मी, निम्मी उनके पास सोने जैसी आत्मा है। आत्मा? सोने जैसी आत्मा? आप तो कहते थे राजन बाबू शरीर के पुजारी हैं, और मैं आत्मा में झांकना चाहता हूँ। केवल बाबू, एक बार तो मेरी आत्मा में भी झांक कर देखा होता, देखा तो होता, कितनी उम्मीदें, कितने सपने, कितनी चाहे आपके लिए सिसक रही है, तड़प रही है, और मेरे ये आंसू, इनमें आपको खून की बूंदें नजर नहीं? ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ऐसा होता तो हर रात आप मेरे सपनों में क्यों आते? सपने झूठे होते हैं निम्मी। तो क्या ये सपना ही था? निम्मी, निम्मी मैं मजबूर हूँ। मैं भी तो मजबूर हूँ केवल बाबू। निम्मी, निम्मी राजन बाबू तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे कदमों में उनका दिल तड़प रहा है। आपके कदमों में भी तो एक दिल तड़प रहा है केवल बाबू। निम्मी माफ कीजिएगा, आपका सीन आ गया। तो मैं राजन बाबू से क्या कहूं? कह दीजिएगा निम्मी मर गई, आपने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया।